बताओ कैसे दिखाओगे सर, आपके पास इतने टाइम है, आप ही बताओ। आप मान लो कभी कभार आते हैं, कभी आप डेली आते हैं? डेली आता हूँ, डेली आकर, बिल्कुल डेली आते हो? बिल्कुल डेली आता हूँ। आपको रजिस्टर कितने केसों में देखने की पड़ती है सर? कैसे फिर भी मतलब कोई नाम ढूंढना पड़ता है या किसी के एनओसी के लिए कोई, तो ये ही ढूंढने पड़ते हैं सर। वो वैसे बताते नहीं आपको? मैंने चार दिन हमारा कसूर है, हम जाके अपना काम ही तो देखते हैं ना। रजिस्टर उठाया, लोगों के काम के लिए और क्या, फिर अंदर घुसने देते हैं। आप देख कर कुर्सी मंगा सकते हो, बाकी तो ऐसी कुर्सी आज ये वैल्यू है और ये दो भी नल हो रही है। पंडित जी भी मतलब अगला इज्जत देवर बैठा हुआ है, चपरासी है जितेंद्र आप इतने लंच टाइम में लंच भी नहीं किया, लंच की मैंने चार्ज भी किया था सर, पूछ लो आप इनसे। मैं बोल रहा हूँ लंच भी नहीं करने गया काम पे, छोड़ दो। हम कितनी देर बैठे थे आप काम पे, काम लगे थे, आपने क्या जवाब दिया था? मैंने ये दिया था, मैं कर दूंगा, यानी कि आप बोले कि एक तो कैंडिडेट नहीं था, वो दिल्ली बैठा था सर, कैंडिडेट बुढ़िया वो जतीश सर से ये थी माटी का थोड़ी देर में नहीं तो जरूरी फिर मैंने कहा भाई यार कोई ये थोड़ी ना, हम चोर चक्के हैं भाई, हमें हमारे पास अंदर नहीं है। आप अंदर जाओ, जो मैं आपको यहाँ बुला रहा हूँ तो अंदर जाने की जरूरत है। बात खाली है कि अगर आपको रिपोर्ट वगैरह देखना है कुछ करना है वो ही आगे दे दें, उसका मतलब ये है। और वो अंदर जाने में कोई मना ही थोड़ी, पहले चले जाओ। उन्होंने मना कर दिया ना, उनका क्या नहीं होगा, रजिस्टर देंगे, रजिस्टर वगैरह अगर आपको चेक करना है वो यहाँ से चेक करना। उन्होंने ये बात नहीं की, बात नहीं कही ना, रिपोर्ट में है दीपक, अभी दीपक को बुला रही है। आज तक नहीं हुआ, ऐसा बार भी नहीं हुआ, चाहे अभी भी नहीं हुआ, पार्षद या कुछ भी था, और बार बार बोलने के बाद भी फिर कोई सुनवाई नहीं हो रही। तीन दिन ऊपर से दो घंटे बैठे रहे हम, पर हमारा भी है वो नहीं करवाने दे रहे, वो बंद है। रजिस्टर वाली जो बात है ना वो तो देखो ठीक लग रही है मेरे को, बाकी आप सब सर मन लगा एक मिनट हो गई। पहले यहाँ कुल टोटल 13 वार्ड थे, अब जो एरिया है ना जो 13 होता पहले, अब वो 15 बता रहे, तो 15 गांव 17 बता रहे, रजिस्टर दूसरा भी वहीं से मिला है, वहाँ बैठे तो काम चल रहा है भाई साहब। क्योंकि मैं जब आया पहचानवा मैं 13 वार्ड था, आज मेरा वार्ड 23 हो गया, और वो पीछे इनके 21 में पाव जी हमारी, मेरा कुछ ना मकान 21 में पाया जाके उनकी फाइल दस्तक इतना तो ठीक है, क्योंकि कई बार देखो प्रेशर होता है, कोई रिपोर्ट तैयार करनी है इधर उधर, तो उसके लिए तो हमें बैठ के रजिस्टर लेके ढूंढना पड़ेगा ना, और वो रजिस्टर ही नहीं मिलेगा तो हम उसको जवाब क्या देंगे आगे, वो तो कह देते हैं जी रजिस्टर में रहेगा, वैसे बता दो आप अच्छी पर्ची दे दो। नहीं फिर नंबर नहीं डल रहा है बताना, इन्होंने फाड़ दिया सारा, बिल्कुल नींव भर दी है, अब बेचारे किराए बैठे हैं, काम खाई किराया से बंद हो गया। बैठो भाव जी, ऐसे नाम से तो दिखो, तो फिर वो कैसे करोगे, या अगर उनकी आईडी नहीं है तो पड़ोसी की कुर्सी मंगवाते हैं, तो उससे हम ऐसा नहीं होता है।
जैसे नाम से एक नाम के तो बहुत बंदे मिल जाएंगे वार्ड में, ऐसे तो नहीं होगा। अगर पड़ोसी के या आसपास ना मरती हो ना देना तो पड़ोसी का तो पार्षद अब बता दे। आठ गाड़ी निकलो आठ में तो दत्त जी के नाम से ये होने का था। आठ सूट जिला है जिसके नाम से दत्त जी की दुकान है तो देखा उसका आधार कार्ड की डॉक्यूमेंट में से निकाल गया तो आठ गाड़ियाँ निकलवा ली चलान लगाया ना जब पता चलेगा। पार्षद जी आज इकट्ठा हुए थे पार्षद क्या मैटर था? मैं जगदीश कपूर वार्ड नंबर 4 से पार्षद हूँ। तो एक्चुअल में क्या होता है कई बार आते हैं कई बार अधिकारियों से ऐसे ट्यूनिंग नहीं मिल पाती कि हमें कोई रिकॉर्ड चेक करना हो या फिर उसके लिए पब्लिक साथ हो उसमें कोई अर्जेंटल ही कोई काम देखना हो तो कई बार ट्यूनिंग नहीं मिल पाती। कई बार ईओ साहब नहीं होते यहाँ पे, कई बार चेयरपर्सन नहीं बैठते यहाँ पे, तो कई बार अपने कहीं दौरे पे बाहर होते हैं, कहीं भी फील्ड वर्क से बाहर गए होते हैं तो उस कारण नहीं मिल पाते, तो वो काम पब्लिक का पेंडिंग रह जाता है जिससे पब्लिक हमारे से भी नाराज होती है और चेयरपर्सन से भी नाराज होती है और नगर परिषद के खिलाफ भी जाती है। तो वही कारण था कि हम समय पर जब भी कोई पब्लिक के साथ आए तो उसको उस काम को तुरंत कार्रवाई से ही पूरा किया जाए। तो कहते हैं कि आप बाहर से बताइए, तो मैडम को इस बात से अवगत कराया, दीपक गोयल ईओ साहब को इस बात से अवगत कराया तो उन्होंने आश्वासन दिया है आज कि अगर ऐसी कोई बात है तो हम अधिकारियों को हिदायत देते हैं कि आइंदा ऐसा कुछ नहीं होगा। तो क्या मतलब कर्मचारी जो है पार्षद की अनदेखी कर रहे हैं? कई बार कर्मचारी कुछ ऐसे हो जाते हैं जो अपनी मनमानी करते हैं, अनदेखी करने लग जाते हैं, बट आज चेयरपर्सन श्रीमती रजनी विरमानी और ईओ दीपक गोयल जी ने आश्वासन दिया, आश्वस्त किया है कि क्या नाम लेते हैं आइंदा ऐसा कोई भी काम नहीं होगा जिससे पार्षद के मान सम्मान को थोड़ी सी भी ठेस पहुँचे। पार्षद जो है यहाँ आए थे और कमेटी के कर्मचारी द्वारा अनदेखी का जो आरोप लगाया गया था, क्या कहना चाहोगे? जी कुछ पार्षद आए थे जो PMAY में और NDC में जो दिक्कतें आ रही हैं उसको लेकर जो उन्होंने समाधान के लिए जो मांग रखी है उसके लिए संबंधित कर्मचारियों को निर्देश दे दिए गए हैं। और इसके अलावा कल छुट्टी के दिन भी हमारी NDC ब्रांच और PMAY ब्रांच वो खुली रहेंगी और जो लोगों की जो शिकायतें पेंडिंग हैं जो काम पेंडिंग है उनको जो है जल्दी से निपटाया जाएगा। क्या क्या दिक्कतें आ रही है पार्षदों को? देखिए PMAY में हमारे पास बिल्डिंग इंस्पेक्टर की पोस्ट काफ़ी समय से खाली थी इसलिए थोड़ा सा स्लो चल रहा था काम। अभी पिछले हफ्ते जो है DI ने ज्वाइन कर लिया, उसके बाद 20 लाभार्थियों की पेमेंट हमने आज जारी भी कर दी, 35 पहले प्रोसेस में जिनकी नेक्स्ट वीक में पेमेंट जारी हो जाएगी। तो अब काम तेज़ी से होगा BI के आने के बाद। नहीं ऐसा ऐसी कोई बात नहीं कि अंदर अलाउड नहीं है, पार्षद कमेटी के किसी भी रूम में जा सकते हैं उसमें कोई इशू नहीं है। केवल रिकॉर्ड के लिए कहा गया है कि रिकॉर्ड के जो है वो स्वयं कोई रिकॉर्ड जो है अवलोकन नहीं कर सकते, अगर उनको कोई रिकॉर्ड का अवलोकन करना है तो वो कार्यकारी अधिकारी के माध्यम से जो है रिकॉर्ड का अवलोकन करें या कोई प्रॉपर्टी उन्हें सर्च करवानी है, जैसे पब्लिक उनको फ़ोन करके पूछती है कि हमारी प्रॉपर्टी देख के हमें बताओ कि है कि नहीं है, तो वो या तो संबंधित स्टाफ को बोले या फिर अगर उन्हें रजिस्टर खुद चेक करना है तो वो कार्यकारी अधिकारी के माध्यम से जो है रजिस्टर को चेक करें। और ऐसी कोई एंट्री वाली कोई ऐसी कोई बात है नहीं।